हनुमान नगर में नाग पंचमी पूजा की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोजड़ा प्रखंड के अंतर्गत हनुमान नगर ग्राम स्थित मां विश्वहार मंदिर में प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 और 26 जुलाई को उक्त मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही बड़े ही धूमधाम से मेला लगाने का भी आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा में सैकड़ों विषैले सर्प का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे एक सप्ताह पूर्व से पकड़ कर रखा जा रहा है। बाबा अशर्फी पासवान ने बताया, एक एक सर्प गेहूमन अधिशर हर हरा धामन को पकड़ कर रखा जा रहा है और पूजा संपन्न होने के बाद पुनः सभी जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। माता की कृपा से किसी को सर्प काटता नहीं है, यदि काट भी लेता है तो विष नहीं लगता है। भगत जी, नाग पंचमी को लेके क्या तैयारी की है? तो माता रानी की पूजा है, इसलिए नाना प्रकार के सांप है। देखते हैं कितना सांप है और कितना तैयारी है सांप, वो देखिए। और ए अधसर है, अधसर आदमी से तो डरता है सांप को देख के, लेकिन यहाँ बच्चे सब माता रानी की कृपा है, इसीलिए कितने सर्प को प्रदर्शन कीजिएगा? बहुत है, 150 सांप। क्या तारीख को है पूजा? 24-25 पूजा। क्या नाम हुआ? अशर्फी पासवान। जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूजा को लेकर? ये तो माता रानी सबको भलाई करता है। विशेला सर्प सब भी रखे? विशेला सर्प आप पकड़े हुए, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? माता रानी कृपा है, माता रानी कृपा, माता रानी कृपा है। काट भी लेता है कुछ नहीं होता है, माता रानी कृपा से ठीक होता है। किस किस प्रकार का सर्प रखे हुए? अक्सर है, गेहूमन है, हरहरा है। अक्सर गेहूमन हरहर, अक्सर गेहूमन हरहरा। देखते नहीं है, देखिए कितना तैयारी। क्या बुआ, तुमको डर नहीं लग रहा है? तो सियान सियान वृद्ध आदमी को डर लगता है, तू बच्चे हो, तू तो बच्चा है। डर भी लग रहा है? डर नहीं लगता है? नहीं। क्या नाम हुआ बाबू? जोर से बोल। इधर। क्या नाम हुआ? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वहाँ देखी ना, छोड़ दे। मेला नहीं खत्म होता।